कोरोना वायरस का तांडव पूरे विश्व में पुरजोर से चल रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए शहर के सिनेमा गृह बंद रखने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश की कॉपी नहीं मिलने से शहर के पंचशील टॉकीज। कोरोना वायरस की दहशत भले ही शहर में दिखाई दे रही हो, लेकिन लोगों में उसका खौफ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। भले ही सरकार भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से लोगों को मना कर रहे हो और इस प्रकार का आह्वान भी कर रहे हो, लेकिन लोग तो लोग है। लोग उसे नजरअंदाज करते हुए पंचशील सिनेमा गृह में लगा बागी 3 इस फिल्म का आनंद ले रहे हैं। राज्य सरकार ने सिनेमा गृह बंद रखने का आह्वान किया, लेकिन जिलाधीश कार्यालय से आदेश की कॉपी नहीं मिलने से पंचशील सिनेमा गृह अभी भी शुरू है। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने जिस प्रकार से गाइडलाइन दी थी, जिसमें जिसके अंदर थिएटर भी बंद होना चाहिए ऐसे बताया गया था, मगर शहर का पंचशील टॉकीज थिएटर में हम आए हुए हैं और ये वही पंचशील टॉकीज है जहां पे आज 12 का शो धड़ल्ले से जारी है। जब हमने इस बारे में उनसे तहकीकात किया तो उन्होंने ये बताया कि जिलाधिकारी के कार्यालय की ओर से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिला है। यदि हमें डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो हम फौरन थिएटर को बंद करेंगे, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है तो हमारा थिएटर शुरू रहेगा। और यही बात है कि आज 12 का शो है वो धड़ल्ले से जारी है। पंचशील टॉकीज से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर।